हाय गाइस, वेलकम टू द फूडी फॉलोअर्स। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और बहुत ही मज़ेदार वाली रेसिपी, आलू मटर का स्पाइसी वाला सैंडविच। एकदम ग्रीन वाला सैंडविच बनाएंगे स्पाइसी चटनी डालकर, बहुत टेस्टी वाला। तो आइए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक पैन लेंगे, उसमें हम सबसे पहले डालेंगे ऑयल। ऑयल के साथ में हम डाल देते हैं मस्टर्ड सीड्स यानी राई के दाने, साथ में हम डाल देते हैं करी लीव्स, फिर हम डालेंगे बारीक कटी हरी मिर्च और फिर हम डालेंगे इसमें प्याज मतलब कि चॉप्ड अनियन, बहुत ज़्यादा फाइनली नॉर्मली डाइस्ड। और एक बार हम इसको हल्का सा चलाएंगे, थोड़ा सा प्याज को ट्रांसल्यूसेंट होने देंगे और फिर हम इसमें डालेंगे सबसे पहले फ्रेश मटर। तो आलू मटर का सैंडविच बना रहे हैं तो मटर चाहिए एकदम फ्रेश वाला, ग्रीन लेंगे और फिर उसे थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। तो ये देखिए, सारे मसाले को 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने दीजिए और फिर ऐड कर दीजिए स्पाइसेस जैसे कि टर्मरिक पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, रेड चिली पाउडर, और सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। फ्लेम को मीडियम रखिएगा जब मसाले डाल चुके, वरना तो आपके सारे मसाले थोड़े जल जाएंगे। और फिर हम इसमें डाल देते हैं बहुत सारा फ्रेश कोरिएंडर यानी कि हरा धनिया और एक बार चला लेंगे अच्छे से। अभी ये मसाला बन के रेडी है तो आप इसको फ्लेम को बंद कर दीजिए और फ्लेम को बंद करने के बाद में आप इसमें डाल दीजिए बॉइल्ड पोटैटोज यानी कि उबले हुए आलू। और आलू को डाल के सारे आलू को इस तरीके से आप अपने हाथ से थोड़ा सा क्रश कर लीजिए और फिर डाल दीजिए, और साथ में डाल दीजिए एकदम चटपटी वाली तीखी वाली हरे धनिए की चटनी, हरे धनिए और पुदीने की चटनी। साथ में डाल दीजिए सॉल्ट एज पर योर टेस्ट। तो जब चटनी को मतलब हम इस मसाले में इसी वक्त ऐड कर देते हैं ना, बहुत टेस्टी मसाला बनता है, इतना टेस्टी यू वोंट बिलीव कि पुदीना और जो हरा धनिया जो आलू के साथ में जो कॉम्बिनेशन आता है ना, बहुत टेस्टी लगता है। तो अभी चटनी डाल के, नमक डाल के, सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के अच्छे से मिक्स कर लीजिए। बढ़िया बढ़िया वाला मसाला तैयार कर लीजिए जिसके हम बनाएंगे बहुत क्रिस्पी से सैंडविच। और ये हमारा फाइनल मसाला रेडी है, इसको आप ग्रीन मसाला भी बोल सकते हैं क्योंकि ग्रीन ग्रीन दिख रहा है एकदम, बहुत टेस्टी वाला। तो अभी जब मसाला रेडी है तो क्या करना है, आप ब्रेड के स्लाइसेस ले लीजिए और ब्रेड के लिए स्लाइस लेकर सिंपल कुछ भी नहीं करना है। अब हमने मसाले को इतना बढ़िया बनाया है कि आपको ब्रेड के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है कि भाई रेड चिली सॉस लगाना है, कुछ और लगाना है, कुछ भी नहीं। जस्ट आप इस तरीके से ना अच्छे से हैंडफुल मतलब एक अच्छे से अच्छी क्वांटिटी में मसाला लेके आप उसको अच्छे से पूरी ब्रेड के ऊपर स्प्रेड कर दीजिए और अच्छे से मसाला लगा लेंगे। उसके बाद में क्या करना है, कुछ नहीं, फिर हमें इसको कवर्ड करना है दूसरे स्लाइस से। तो ये देखिए मसाला अच्छे से लग चुका है, टेस्टी टेस्टी वाला, बहुत यम्मी वाला ये मसाला था, डिफरेंट है, बनाने में बहुत मज़ा आएगा। अभी जब मसाला अच्छे से लग चुका है तो क्या करना है, दूसरे स्लाइस से इसको कवर कर दीजिए टू मेक इट मोर क्रिस्पी। आप इसके ऊपर लगा सकते हैं बटर, क्योंकि जब हम बटर से सिकाई करते हैं ना सैंडविच की, तो अलग ही टेस्ट आता है और एकदम क्रिस्पी वाला वो बनता है। आप चाहे तो यहाँ पे आप घी भी लगा सकते हैं, और अगर थोड़ा हेल्दी की तरफ जाना चाह रहे हैं तो कुछ भी मत लगाइए। तो उधर लगा दिया, एक तरफ उधर लगा दिया, और दूसरी तरफ के लिए हम यहाँ पे हमारे ग्रिल पैन के ऊपर थोड़ा सा बटर डाल देंगे। और जो थोड़ा सा बटर डाला है और दोनों सैंडविच को हम प्लेस करेंगे इस हमारे ग्रिल पैन के ऊपर। तो अब सैंडविच लीजिए और इस तरीके से अपोजिट साइड जहाँ पे हमने बटर नहीं लगाया था उस तरफ से इसको इसमें रख दीजिए। अभी रख दिया है, एक सैंडविच रख दिया है, दूसरा भी रख दीजिए। तो ये लीजिए गाइस, दोनों सैंडविच को आप पकने दीजिए अच्छे से, क्रिस्पी होने तक, गोल्डन होने तक, बहुत बढ़िया सिकाई कीजिए और फिर आप इसको फ्लिप कीजिए, कुक कीजिए और दूसरी तरफ से भी सिकाई कर लीजिए। सिंपल है, कुछ साइंस नहीं है, कुछ डिफिकल्टी नहीं है, बनाने में बहुत मज़ा आया था। और ये लीजिए, इसको मैंने इस तरीके से जेंटली बिल्कुल प्यार से, आपका हाथ नहीं जले, और इसको हटा लीजिए और दूसरी तरफ से भी अच्छे से कुक होने दीजिए। और ये बढ़िया वाला आलू का सैंडविच आपने बहुत बार खाएंगे, लेकिन इस तरीके से एक बार आप बना के देखिए, चटनी वाला सैंडविच।
तो चटनी वाला सैंडविच है, बहुत मज़ेदार है, बहुत यम्मी है। दूसरी तरफ से जिकाई कीजिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना कितना प्यारा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है और कितना क्रिस्पी है। टेस्टी तो ये बहुत ही था। आप एक बार घर में बनाएंगे ना, बच्चे बड़े आपके सब लोग बार बार से सैंडविच की डिमांड करेंगे। क्यों? क्योंकि है ही इतना अच्छा। तो ये लीजिए गाइस, फटाफट सर्विंग का टाइम आ गया। तो क्या करना है, सिंपल से ऐसे कट कर लीजिए जैसे आपको सर्व करना होता है। ऐसे ही ऐसे रखना है तो बिल्कुल ऐसे रख दीजिए। और अगर आपको थोड़ा और इसको मोर इंटरेस्टिंग बनाना है तो थोड़ा सा बटर ऊपर से भी डाल दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शनल है, आपकी इच्छा है तो डालिए, नहीं तो नहीं, ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये लीजिए, मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। और ये हमारा क्रिस्पी वाला सैंडविच बनके रेडी है। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूले। और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पेज पे जाइए ज़रूर ज़रूर ज़रूर। और दूसरे वीडियोस भी देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।